नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे मकान मालकिन रहती है और ऊपर आपको रहना है। आइए मैं आपको घर दिखाता हूं। आइए मैडम, एक बार आप घर देख लेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आइए आइए मैडम, ये देखिए विंडो। ये देखिए मैडम टीवी, सोफा, डाइनिंग टेबल, ये देखिए मॉड्यूलर किचन, बाकी सारी फैसिलिटी है यहाँ पर। आपको सिर्फ कपड़े लेके आना है। आइए मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ। आइए ये देखिए बेडरूम, ड्रेसिंग टेबल, अलमीरा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आइए सारी फैसिलिटी है यहाँ पर, आपको कुछ नहीं लाना है, सिर्फ कपड़े लाने हैं। अब आप बताइए कैसा लगा आपको ये घर? शर्मा जी घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन उतने ही बजट में है ना जितना मैंने आपसे बताया था। मैडम जी आपके बजट में पूरे मुंबई में अच्छी जगह ऐसा घर नहीं मिलेगा। इसका रेंट 20,000 है। क्या 20,000? शर्मा जी आप क्या बोल रहे हैं? देखिए मैंने आपको अपना बजट बताया है, प्लीज आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैडम अब आपको अच्छी लोकेलिटी भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए और रेंट भी कम देना है, ऐसे कैसे चलेगा? आप एक काम कीजिए, अगर आपको ये घर पसंद है तो हाँ कीजिए, कुछ जुगाड़ हो जाएगा। जुगाड़ मतलब? मतलब ये कि आपके जैसी ही एक और पार्टी है मेरे पास जिसको कम बजट में घर चाहिए। अगर आप ओके हैं तो आप दोनों मिलकर ये घर ले लीजिए। वैसे भी इस घर की मालकिन को फैमिली किरायेदार चाहिए, बैचलर्स नॉट अलाउड। ठीक है, वो करती क्या है? करती नहीं, करता है, लड़का है वो, बेचारा मुंबई में आया है नौकरी ढूंढने। शर्मा जी आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपार्टमेंट एक लड़के के साथ शेयर करूंगी, वो भी कपल बनके? देखिए अगर आपको मेरे बजट में घर नहीं मिल रहा ना दिखाने को तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, मैं कोई दूसरा ब्रोकर ढूंढ लूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैडम जी इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। हेलो पंकज जी, आपको मेरे बजट में घर मिला क्या? नहीं मैडम, मेरे पास नहीं है। ओके। काफी जगह देख लिया, कोई घर ही नहीं मिल रहा। हेलो शर्मा जी, मैं रिया बोल रही हूँ। जी मैडम, आपने कुछ सोचा क्या? वो उस लड़के से मीटिंग फिक्स कीजिए ना मेरी। ठीक है मैडम, ठीक है। बस आ रही है। ओह, I'm so sorry, हाँ, लेट हो गया। मिस रिया, ये है मिस्टर शान, मिस्टर शान, ये है मिस रिया। हेलो। हाय शर्मा जी, आपने इन्हें समझा दिया है ना कि हम सिर्फ घर पाने के लिए कपल बनने का नाटक कर रहे हैं? हाँ बताया। और शर्मा जी आपने भी इन्हें बता दिया है ना कि मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ मजबूरी में ये कर रहे हैं। जिस समय सब कुछ ठीक हुआ ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। वैसे भी मुंबई ने मेरी हालत खराब कर रखी है, अगर 2 महीने में कुछ नौकरी का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मुझे वापस गांव ही निकलना पड़ेगा। जी सब बात हो गई, तो ये तय रहा कि आप दोनों उस घर में मिस्टर एंड मिसेज बनकर शिफ्ट करेंगे। वैसे भी कोई सामान तो लाना है नहीं, वेल फर्निश्ड घर है और एग्रीमेंट की जिम्मेदारी मेरी। हैप्पी? थैंक यू। Yeah.
कितना हुआ? 200 रुपया। हाय, हाय, आई एम राज। हाय, मैं शान। और ये रिया। हाँ रिया, मेरी वाइफ। हाय रिया। हाय। वेलकम, हमारे घर में आपका स्वागत है। वैसे यहाँ मैं और मेरी बहन श्रुति रहते हैं, नीचे। अगर आपको सेटल होने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू से। वैसे आपसे पहले यहाँ जितने भी किराएदार रहे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, होप आपको भी नहीं होगी। तो आप अच्छे से रहिएगा। अच्छा, मुझे जिम के लिए लेट हो रहा है, मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। चलो चलना है। हाँ। अरे उठो उठो, बेड पर तुम नहीं मैं सोऊंगी, तुम जाके बाहर हॉल में सो। चलो उठो। क्यों? आधा किराया तो मैं भी दे रहा हूं ना, तुम्हें हॉल में क्यों? तुम जाओ हॉल में और शांति से सो जाना, मेरा कल इंटरव्यू है और उसके लिए मुझे अच्छे से नींद आनी जरूरी है। गुड नाइट। अरे जाते जाते लाइट बंद कर देना। हाय। सॉरी ऐसे मिलना पड़ रहा है, पर राज ने कहा था एक बार आप लोगों से मिल लूं। अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए। मैं श्रुति, राज की सिस्टर, आपके मकान मालकिन। ओह हाय, मैं शान। नाइस टू मीट यू। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ वो एक्चुअली आज मेरा इंटरव्यू था खार रोड पर, तो बस वहीं। खार रोड? अरे मैं भी वहीं जा रही हूँ, एक्चुअली मेरा ऑफिस भी वहीं है इसीलिए। तो चलिए साथ में चलते हैं, मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगी। नहीं आप इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हैं, मैं बस ले लूंगा। इसमें तकलीफ क्या है, एक ही रास्ता है, साथ में कट जाएगा बातें करते करते। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ और इसी बहाने हम एक दूसरे को जान भी पाएंगे। चलिए आइए आइए। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। अरे आप, कुछ चाहिए था आपको? नहीं कुछ चाहिए नहीं, बल्कि देने आई थी। वो मैंने खीर बनाई है, सोचा आप लोगों को दे दूं। वाह, खीर मेरी फेवरेट है। अंदर आई ना, बाहर क्यों खड़ी? आपकी सिस्टर श्रुति वो घर पर नहीं है क्या? आप थोड़ी सी लेट हो गई आने में, वो अभी ऑफिस निकल गई। ओ वैसे आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसके लिए भी खीर रख दूंगा। तो आपकी सिस्टर जॉब करती हैं और आप? मैं भी फाइनल ईयर में। अच्छा अच्छा, खीर कैसी बनी है? थोड़ी सी मीठी हो गई। वो
कुछ लगा। अच्छा आपने बताया नहीं अपने बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में। हाँ वो मैं और मेरे हस्बैंड कुछ टाइम पहले ही मुंबई आए हैं। शान जॉब की तलाश में है, बस एक अच्छी जॉब मिल जाए। बिल्कुल, वैसे मुंबई सबको काम देता है। यही सोचकर तो यहाँ आए। वैसे सोचा तो बहुत कुछ था पर शादी के बाद ऐसा कुछ। खैर कोई बात नहीं, वैसे हम जब से यहाँ आए हैं ना मुंबई, हमें तो मुंबई बड़ी रास आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अब लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा मुझे जिम निकलना है। आई एम सो सॉरी, मैं भी चलती हूँ, शान के आने का टाइम हो रहा है। ओके, खीर खा लेना। हाँ जरूर। अरे शांत, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? हाँ हुआ, पर शायद जिसने इंटरव्यू लिया उसको मैं पसंद नहीं आया। ओह सॉरी, बट डोंट वरी, जॉब एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। हाँ बस इसी उम्मीद में भटक रहा हूँ यहाँ वहाँ 2 महीने से। मैं आपको कहाँ ये सब बताने लग गया, आप जाइए। I'm fine। जाइए? अरे हम दोनों का घर एक ही है और आप भूल रहे हैं आप मेरे किरायेदार हैं। और भला अपने किरायेदार को मैं ऐसे मायूस कैसे जाने दूँ? चलिए मैं आपको अपने हाथ की अच्छी सी कॉफी पिलाती हूँ, चलिए। अब रहने दीजिए, आप क्यों इतनी तकलीफ ले रही हैं? मैं ठीक हूँ। इसमें तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं है। आइए मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ, आइए 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 ना। राज राज राज, लगता है राज घर पर नहीं है, जिम गया हुआ है। कॉफी? थैंक यू। अच्छी अच्छी बनी है कॉफी। थैंक यू। शान, उस टाइम आप बहुत मायूस थे और मुझे कुछ बता रहे थे कि आप 2 महीने से जॉब की तलाश में हैं। हाँ। तो आपका घर कैसे चलता है? सेविंग से? हाँ उसी से, पर अब तो वो भी खत्म हो गई है। तो इफ यू डोंट माइंड, मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी वाइफ का रिएक्शन कैसा रहता है घर में? आई मीन वो सपोर्टिव है या? सपोर्टिव क्या सपोर्टिव, वो भी घर पे ताने ही देती है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हर जगह कोशिश करके देख ली पर ऐसा लगता है जैसे मेरा लक ही खराब है। लक खराब नहीं, अच्छा है, इसलिए तो तुम यहाँ शिफ्ट हुए। मतलब मैं समझा नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मदद? आपके पास कोई जॉब है क्या? जॉब नहीं है पर उससे भी कुछ खास है। देखो मैं तुम्हें क्लियरली समझाती हूँ सब। मैं जॉब करती हूँ, घर चलाती हूँ, पर मेरी लाइफ में काफी सूनापन है। तो अगर तुम इस सूनापन को भर दो तो जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती मैं तुम्हारा सारा किराया माफ कर दूंगी। ए, क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं शादीशुदा हूं, ये ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं आप? इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरी जिंदगी में
बस मेरा भाई राज ही है, जिसका ख्याल रखने के चक्कर में मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। इसीलिए शायद लाइफ में आज तक अकेली हूँ, और तुम शादीशुदा हो जो कि मुझे पता है, इसीलिए तुम्हारे सामने ये ऑफर रख रही हूँ। देखो मैं तुम्हारी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं बनूंगी, पक्का। सोचो तो कितना अच्छा ऑफर है। सोच क्या रहा है, ऑफर अच्छा है, और वैसे भी कौन सा शादीशुदा हूं मैं। लड़की सामने से आ रही है और साथ में पैसे भी ला रही है। तो क्या सोचा तुमने? देखो मुझे अब ज्यादा सोचो मत, बस मुझे फॉलो करो। अरे वाह, क्या बात है, बड़ा चहक रहे हो। जॉब मिल गई क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। चलो अच्छा है। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते रेंट पे करना है। एक काम करो, तुम मुझे अपना आधा रेंट मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं एक साथ पे कर दूंगी। रिया, एक काम करते हैं ना, तुम्हारे जो रेंट का आधा हिस्सा है ना, वो तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अरे वो क्या ना, मेरे पैसे शायद लास्ट मोमेंट पर आएंगे, तो वो एक साथ देंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है। शान बाबू, इसे कहते हैं किस्मत। एक तीर से दो निशाने, एक तरफ श्रुति को खुश करके रेंट के पैसे भी बचा लूंगा, और दूसरी तरफ रिया के रेंट के पैसे से महीना भी चला लूंगा। क्या बात, दोनों हाथों में लड्डू है तुम्हारे। राज, नाश्ता करो पहले, फोन बाद में चलाना। अभी करता हूँ। हाय। ओह हाय, पार्सल देने आई थी मैं आपका। एक्चुअली कुरियर वाला गलती से मेरे घर पर देकर चला गया। थैंक यू सो मच। तुम खड़े क्यों, आओ बैठो, नाश्ता करो। नहीं, आप लोग खाइए, मैंने जस्ट अभी नाश्ता किया है। ओके। अच्छा दीदी, आपके पास किसी प्लम्बर का नंबर होगा क्या? वो एक्चुअली मेरा शार्ज जो है वो खराब हो गया है, और शान भी घर पर है नहीं, यहाँ आसपास किसी को जानती भी नहीं हूँ मैं, सोचा आप लोगों से पूछ लें। अरे आप टेंशन मत लीजिए, उसमें क्या ना कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, मैं चल के ठीक कर देता हूँ। हाँ रिया, राज सही कह रहा है, तुम एक बार जाके देख लो, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। ठीक नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं प्लम्बर भेज दूंगी। ओके, थैंक यू। मुझे तो लेट हो गया, सॉरी, तुम कर देना। हाँ ठीक है, ओके बाय बाय। Ha 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 ha
तुम्हारे पति शान के आने का समय हो गया है ना? हो तो गया है, लेकिन क्या करूं, तुम्हें छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा है। पर जाना तो पड़ेगा ना, वो क्या है ना, भले ही ये घर मेरा है पर तुम उसकी बीवी हो, उसकी मेरी नहीं। अच्छा ठीक है, चलता हूँ, मिलते हैं फिर जल्दी। अरे यार, अच्छा खासा लड़का मिला हुआ है लेकिन इस झूठी शादी की वजह से अटक गई हूँ। क्या बुरी फंसी है यार तू रिया। क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि आज अलग ही मूड में लग रही हो, बॉयफ्रेंड से मिल के आई हो। तुमसे मतलब? तुम चुपचाप से अपना काम करो, वैसे भी इस झूठी शादी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरा मूड खराब रहता है। अब अगर तुम ज्यादा बोलोगे ना तो मेरा सारा गुस्सा तुम पर उतर जाएगा। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है इस झूठी शादी से? एक झूठ के कारण रोज नए झूठ बोलने पड़ते हैं चार। तो किसने बोला तुम्हें झूठ बोलने के लिए, सच बता दो ना। वैसे भी मुझे लगता है कि राज सब समझेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर किसी को कुछ भी बोला ना तो फ्रॉड के चक्कर में जेल भेज देंगे हम दोनों को। किसी को कुछ बोलना मत, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है तब तक संभाल लो, उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते। समझी? हेलो, किसी को कुछ बताना नहीं है। कल 12 बजे घर पर मिलें। थैंक यू। आजकल पता है तुम्हारी बाहों में रहने का मन करता है, ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर से जी उठे। मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये जो रेंट ना लेकर तुमने मेरी मदद करी है ये मैं कभी नहीं भूलूं। तो इंतजार किस बात का, उसकी कीमत तो क्यों पतिदेव, ज्यादा थके तो नहीं ना? मतलब मैं क्यों थकूंगा, क्या पूछ रही हो, ठीक हो तुम? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, बल्कि अब सब कुछ समझ में आने लगा है। देखा मैंने तुम्हें उस मकान मालकिन श्रुति के साथ क्या गुल खिला रहे थे तुम। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम उसके साथ थे, प्रॉब्लम ये है कि तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। उसके साथ रंगरलिया मनाकर अपना रेंट तो नहीं दे रहे, बल्कि हर महीने मुझसे आधा रेंट लेकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा खर्चा आराम से निकलता रहे। वाओ, ग्रेट, धोखा दे रहे हो ना तुम मुझे। रुको, कहां जा रहे हो? हां क्या बोला था तुमने मुझे कि किसी को सच मत बताना वरना जेल हो जाएगी, और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो तुम मेरे साथ, समझे तुम? अभी के अभी मेरे सारे पैसे मुझे वापस करो, वरना ये तुम दोनों की हरकत ना सबको बता दूंगी, स्पेशली राज को भी, समझे? मेरे पैसे वापस करो, तुरंत वापस करो मेरे। ठीक है, बस धीरे बोलो। तुम्हें तुम्हारे हिस्से के रेंट के पैसे चाहिए ना,
मिल जाएंगे, उससे 3 गुना ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं अगर तुम चाहो तो। 3 गुना ज्यादा पैसे? मैं समझी नहीं, वो कैसे? सोचो मेरे और श्रुति का अफेयर कैसे हुआ होगा। जब वो जानती है कि मैं शादीशुदा हूं फिर भी उसने मुझे ऐसा ऑफर क्यों दिया? क्यों? क्योंकि श्रुति को उसकी इज्जत बहुत प्यारी है, तो वो चाहती ये है कि घर के घर में सब कुछ हो जाए और किसी को भनक भी ना हो, इसलिए उसने मुझे चुना और मुझे ये ऑफर दिया। मेरे पास एक प्लान है और उस प्लान से तुम्हें तुम्हारे रेंट का पैसा तो मिल ही जाएगा मगर लाखों रुपए भी कमा सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो सोच लो। बोलिए। ऑफिस से घर आ गई तुम? बस अभी पहुंची और देखो तुम्हारा कॉल भी आ गया। सुबह से बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, तो सोचा कि क्यों ना हम मिले आज। आइडिया तो अच्छा है पर आज नहीं हो पाएगा, वो राज घर पर ही है इसलिए। अरे तो कोई बात नहीं, मेरे यहाँ आ जाओ। देखो वैसे भी रिया ना घर पे नहीं है और ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। ओके इंतजार कर रहा हूं। ना अंधेरा क्यों है? शान, शान, शान कहाँ हो? ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, कैसा लगा? वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अभी समझ आया मुझे यहाँ इतनी जल्दी यूँ अचानक किस लिए बुलाया गया है। हाँ लेकिन अभी ज्यादा खुश मत हो क्योंकि सरप्राइज अभी बाकी है मैडम। ओके जस्ट वेट एंड वॉच। तुम यहां? अच्छा तो ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे? हाँ और तुझे शर्म नहीं आई तुझे मेरे पति के साथ रंगरलिया मनाते हुए, ये जानते हुए कि ये मेरा पति है? तुम दोनों की ये हरकत ना पूरे मोहल्ले वाले को बताऊंगी, मैं बताऊंगी कि तू कितनी घटिया लड़की है। रिया, रिया जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हट, पागल समझा क्या मुझे? सब कुछ मैंने अपनी नजरों से देखा है, ज्यादा नाटक मत कर मेरे सामने समझी। तेरा भाई बहुत गुण गाता है ना तेरे, उससे भी बताऊंगी कि कितनी अच्छी है उसकी बहन। बताती हूँ मैं तुम दोनों को,
नहीं देखो देखो प्लीज ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँ, प्लीज हमें माफ कर दो रिया, प्लीज प्लीज किसी को कुछ मत बताना रिया, प्लीज आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगी रिया प्लीज। देखो रिया सुनो प्लीज एक बार माफ कर दो, देखो तुम जो बोलोगी ना, तुम जो बोलोगी जैसा बोलोगी हम वो करेंगे है ना, बस एक बार हमको माफ कर दो प्लीज। ठीक है लेकिन एक शर्त पर, मेरा मुंह बंद रखने की कीमत अदा करनी होगी, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। या क्या 5 कैसे लाएगी वो? हाँ तो श्रुति बताओ, मेरा मुंह बंद रखने की कीमत दे रही हो या फिर नहीं? रिया ये तुम क्या कह रही हो, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? बकवास बंद कर, सिर्फ हाँ या ना बोल, वरना तुम दोनों अपनी बदनामी के लिए तैयार हो जाओ। रिया रिया मैं लाऊंगी 5 लाख रुपए, पर मुझे 2-3 दिन की मोहलत तो दो प्लीज। अरे हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, जाओ दिए दो दिन, पैसों का बंदोबस्त करो। काबू में करने के पूरे तरीके आते खेलते रहेंगे। अरे क्या नहीं हो पाएगा राम, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट के 5 लाख रुपए कल ही चाहिए, तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा दो बस। दीदी क्या हुआ, अब इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं, वो बस ऐसे एक काम करो, तुम खाना खाओ, मैं बस बाहर होकर आती हूँ। ठीक है तुम खाना खा लेना, बाय। अचानक दीदी को क्या हो गया? अच्छा हुआ तुमने टाइम पर पैसों का बंदोबस्त कर लिया। वो क्या है ना, मुझे लेट लतीफ लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और हाँ दोबारा एक दूसरे को देखने की सोचना भी मत, वरना इस बार मैं शांति से काम नहीं लूंगी। खुशबू है पैसों की, सच बता रहा हूँ इतने सारे पैसे मैंने एक साथ पहली बार देखे, मजा आ गया। अच्छा ये सारा प्लान इस निठल्ले शान का था? हाँ वाह, मानना पड़ेगा क्या बेवकूफ बनाया तुम दोनों ने मुझे। श्रुति तुम चली गई थी, पर वो क्या है ना, मैं अपना पर्स यहाँ भूल गई तो सोचा लेने आ जाऊं, वरना क्या पता तुम दोनों कल को इसको लेकर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दो, पर यहाँ आई तो तुम दोनों का तो राज ही खुल गया। देखो श्रुति मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम पर तो कितना भरोसा किया था मैंने, पर तुम ये वेट, पर तुमसे और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती, पर एक चीज की जा सकती है, तुम दोनों का राज सबके सामने लाया जा सकता है। मैं अभी पुलिस को बुला के तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगी। छोड़ो
कैसे भाई सब? पता नहीं सर, हम भी हैरान हैं कि ये सब अचानक कैसे हो गया। अच्छा खासा हमारे साथ बैठी थी, बातें कर रही थी, हमारे साथ चाय भी पी, बस फिर बोली कि राज के आने का टाइम हो गया है, और उसके बाद बस हमने एक चीख सुनी, फिर पता नहीं कब क्या। देखिए, हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं, वैसे तो ये एक्सीडेंटल डेथ ही लग रही है, वैसे हम जांच करेंगे। और हाँ, आप में से कोई भी कहीं यहां से बाहर नहीं जाएगा जब तक ये केस ऑन है। जी सर। संभालो अपने आप को बेटा, होनी को कौन टाल सकता है? किसे पता था कि इस घर में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा? जी काका। काका, आप फोन पे कुछ जरूरी कागजात के बारे में बात कर रहे थे। हाँ बेटा, ये वसीयत के पेपर देने थे। अब इस वसीयत के हिसाब से ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये लीजिए, इसे संभालिए। क्या करूंगा काका, मैं कैसे संभालूंगा मैं ये सब अकेले? संभालना होगा आपको, इस प्रॉपर्टी को भी और अपने आप को भी। बेटा मैं चलता हूं, अपने आप को संभालिए। देखो राज, संभालो खुद को। मैं जानती हूं कि तुम अकेले पड़ गए हो। श्रुति दी चली गई है, लेकिन प्लीज तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं हूं तुम्हारे पास। शादी के डर से मैंने तुमसे छुपकर प्यार किया, लेकिन अब मैं जान चुकी हूं कि जिंदगी में कभी कभी कुछ बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि तुमको मेरी जरूरत है, मेरे साथ की जरूरत है, और ऐसे मुश्किल वक्त पे मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। इसलिए मैंने एक फैसला किया है कि मैं शान को सब कुछ सच सच बता दूंगी और फिर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हारी शक्ति बनके और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। रिया, आगे तुम। मैं बस राज को खाना देकर आती हूँ, उसके बाद हम लोग खाते हैं, ठीक है? एक मिनट, तुम मुझे डबल क्रॉस कर रही? मतलब? अरे सदा फूली मत बन, समझी? तब सुन लिया मैंने, क्या बोली थी तुझको? शादी करना है उससे, गृहस्थी बसाना उसके साथ, मुझे छोड़ के उससे शादी करेगी ताकि सब प्रॉपर्टी तेरी हो जाए। वाह, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुन, मुझे पता है हमारी शादी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन और बहुत से काम है जो हमने साथ में किए हैं। अब चाहे वो धोखा हो या फिर श्रुति की मौत, दोनों में हम बराबर के हिस्सेदार हैं। तो एक बात ना तू कान खोल कर सुन ले कि अब आगे जो कुछ भी होगा उसमें हम दोनों बराबर के हिस्सेदार ही होंगे। इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकती तुम मुझे। हाँ, मैं श्रुति का सीए मिस्टर राम बोल रहा हूँ।
जी राम जी बोलिए। क्या आप किसी शान अग्रवाल को जानते हैं क्या? क्या है ना कि श्रुति पिछले 2 महीने से उसके अकाउंट में काफी पैसा ट्रांसफर कर चुकी है, क्या आप जानते हैं इस बारे में? शान दीदी क्यों उसे पैसे भेजेगी? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसने अपने इन्वेस्टमेंट के 5 लाख रुपए भी निकाल लिए। क्या क्या आपको अंदाजा है इस बारे में? हेलो मिस्टर राज, हेलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा सलूक करने की? हाँ देखो बीबी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, समझे? और तुम होते कौन हो मेरे लिए डिसाइड करने वाले? हाँ मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। और क्या बकवास कर रहे थे तुम कि जो किया है हमने साथ में किया है? एक बात ध्यान से सुन लो। देखो श्रुति को ना ब्लैकमेल करके पैसे निकालने का आइडिया तुम्हारा था, मैंने बस तुम्हारा साथ दिया था। रही बात श्रुति के मर्डर की, तो वो हम दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन वो नौबत तुम्हारी वजह से आई थी, समझे तुम? और अब तो मैं राज के साथ सेटल होकर रहूंगी, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, तो मैं पुलिस के पास जाकर श्रुति की मौत का सारा सच बता दूंगा। रही बात वो 5 लाख रुपए की, एक मिनट। और ये है ना कि साथ लेकर जाऊंगा सबूत के तौर पर, खुद जेल चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें भी जेल भिजवा कर रहूंगा। फिर देखता हूं कैसे बनती हो ये करोड़ों की प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन। शान शान मेरी बात सुनो शान, राज तुम अब समझ आया कि मेरी बहन परेशान क्यों रहती थी, क्योंकि तुम लोग उसे ब्लैकमेल करते थे। नहीं राज, राज मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ इसने किया है, इसी ने श्रुति को फंसाया था और इसने मुझे अपनी बातों में फंसा कर मुझसे मजबूरी में ये सब करवा दिया। राज मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बोल रही है ये, इसने अपनी मर्जी से मेरा साथ दिया था और अब जब सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया है तो तुम्हारी हमदर्द बन के तुमसे शादी करके तुम्हारे पैसों की मालकिन बनना चाहती है ये। चुप, बंद करो अपनी ये नौटंकी। तुम लोगों का खेल खत्म अब। मैं अपनी बहन को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैंने इसमें सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब देखो मैं क्या करता हूं तुम लोगों का। अरे खड़े खड़े देख क्या रहा, वो हमें जेल भिजवा देगा, पकड़ो उसे, पकड़ो। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। मुझे मेरे सीए ने फोन करके बताया था कि मेरी बहन इनको पैसे ट्रांसफर करती है। मुझे तभी शक हो गया था कि उसकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि इसके पीछे कोई राज है। तभी मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन करके बुलाया और यहां सब कुछ तुमसे पूछने आया था, और मेरी किस्मत देखो सब कुछ मेरे सामने साफ हो गया। इंस्पेक्टर साहब इन दोनों ने ही मिलकर मेरी बहन को मारा है, सबूत इस फोन में। कांस्टेबल गिरफ्तार करो इन्हें।